हेलो गाइस, अरमा सेनपाई की एक और वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। नहीं, गलत हो गया, अम्ब्रेला एकेडमी की एक और वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। एंड आई नो कि तुम सोच रहे हो कि ये कितनी वीडियोस छापेगा अम्ब्रेला एकेडमी पे, इतना तो नेटफ्लिक्स वाले ट्रेलर भी नहीं निकालते सीजन 3 का, ये तो पक्का व्यूज छापने का प्लान बना रहा है इसका तो। एंड यू आर फकिंग राइट, आई एम डूइंग इट। तुमने मेरी जितनी भी अम्ब्रेला एकेडमी वाली वीडियो है उन पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ। एंड वैसे भी अगले एक दो दिन खाली है, कोई कंटेंट नहीं था, तो मैंने सोचा अम्ब्रेला एकेडमी पर ही एक और वीडियो छाप देता हूँ, व्यूज़ तो आएंगी कम से कम। लेकिन इस वीडियो का मोटिव सिर्फ व्यूज ही नहीं है, तुम्हारे डाउट्स को भी दूर कर देगी ये वीडियो, जो तुम्हारे फाइनल एपिसोड देखने के बाद ख्यालों में आ रहे हैं, जैसे एलिसन के बारे में, बिकॉज आई नो शी इज अ बिच बट एन ओवर पावर्ड बिच, जो हार्लेन को टक्कर देने गई थी एंड अकेले ही हारग्रीव्स की खोपड़ी फोड़ दी थी इसने, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा बेटर काम कर सकती है रूमर्स फैलाने का जो ट्रू हो जाते हैं। सच में यही होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। अम्ब्रेला एकेडमी के सभी मेंबर्स में से एलिसन एक यूनिक कैरेक्टर है जो कहके ले लेती है सबकी, मतलब लोगों को अपने इशारों पर नचाती है। सीजन 3 में उसके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अनोइंग और इरिटेटिंग बना दिया गया है राइटर की तरफ से, एंड उसे एक डार्क टर्न दिया गया है पिछले 2 सीजन से कंपेयर करें तो। हर सीज़न में एलिसन ने कुछ ना कुछ किसी को खो दिया है, अपने लव्ड वंस को, जैसे सीजन 1 के एंड में उसने अपनी डॉटर क्लेयर को खो दिया था, और सीजन 2 के एंड में उसने अपने हस्बैंड रे को, जिसकी वजह से उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मेंटली ब्रेक डाउन हो चुका है। एंड उसने अपनी पावर्स को खुद के बेनिफिट के लिए कभी भी यूज़ नहीं किया था पहले, लेकिन उसने इस सीज़न में भी अपनी बाउंड्रीज को तोड़ दिया एंड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। एंड ये इतने ज़्यादा पावरफुल है कि तुम लूथर से भी पूछ सकते हो, उसे एलिसन के पावर्स के बारे में अच्छी नॉलेज है। एंड अगर तुम ये सोच रहे हो कि एलिसन ने कभी भी अपनी पावर्स को अब्यूज़ नहीं किया, तो तुम गलत हो, उसने इस सीज़न में वो भी किया। एंड अगर तुम्हें इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा, तो स्लोन से पूछ लो जाके, उस पर एलिसन ने टॉर्चर किया था इंटेरोगेट करते टाइम, और इतना काफ़ी नहीं था तो उसकी पावर्स को इस सीज़न में एक बूस्ट भी मिल गया है। सीज़न 1 और सीज़न 2 में एलिसन को आई हर्ड अ रूमर बोलने की ज़रूरत पड़ती थी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन सीज़न 3 में तो वो वाला कांड भी हटा दिया राइटर्स ने, एंड अब उसे आई हर्ड अ रूमर बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड वो सिंपली अपने ऑर्डर्स दूसरों को फॉलो करवा सकती है। और ये कैसे हुआ मैं तुम्हें इस वीडियो में अच्छी तरह क्लियर कर दूंगा, तो एंड तक बने रहना। तुम एक बार हार्लन और आन्या वाली पावर लेवल की जो सीक्वेंस थी उसको दोबारा याद करना, जिसमें आन्या की बोल रहा हूँ मैं, स्पाइक्स फैमिली तो खत्म हो गया ना, वान्या बोलते हैं, नहीं विक्टर बोलेंगे। विक्टर जब हार्लन से उसकी पावर्स को एक्सेप्ट कर रहा होता है, तो एलिसन को ऐसा लग रहा था कि विक्टर बहुत ज़्यादा पेन में है एंड वो डेंजर में है, इसलिए वो मर सकता है, इसलिए एलिसन बैरियर मेंटर कर जाती है। एंड उससे पहले जब वो पावर्स ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो एलिसन अपनी पावर्स हार्लन पर यूज़ करती है उसे स्टॉप करने के लिए, लेकिन वो वर्क नहीं करती, जिसकी वजह से एलिसन को बैरियर के अंदर एंटर करना पड़ता है। एंड अगर तुम स्लो मोशन में ये सीन देखोगे, तो वहाँ पर तुम्हें येलो डस्ट देखने को मिलेगी, जिससे अम्ब्रेला एकेडमी को उनकी पावर्स मिली थी। एंड एलिसन जब इस सराउंडिंग में अपनी पावर्स को यूज़ करती है, तो तभी हार्लन स्टॉप हो जाता है चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह। बट तुम यहाँ पर कह सकते हो कि एलिसन के अंदर जो येलो डस्ट थी, वो थोड़ी एक्सपोज होने की वजह से हार्लन की कुछ परसेंटेज ऑफ पावर्स को एलिसन ने एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से उसको बूस्ट मिल गया है एंड उसकी पावर लेवल्स पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और अगर तुम्हें मेरी थ्योरी पर बिलीव नहीं हो रहा, तो तुम हार्लन और एलिसन की आईज़ का कलर भी नोटिस कर सकते हो, जो सेम येलो कलर की है। एंड इसका मैं तुम्हें एक लाइव एग्जांपल भी देता हूँ। जब एलिसन विक्टर को अपना माउथ शट करने को कहती है, तब उसकी जो फेमस लाइन होती है आई हर्ड अ रूमर, वो भी उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड उस टाइम एलिसन की आईज़ भी येलो होती है, लेकिन ये पावर्स तभी मैटर करेंगी जब एक्चुअल रियलिटी में उसके पास ये पावर्स बची होंगी, वरना बूस्ट लेकर भी क्या उखाड़ लेगी वो। एंड क्योंकि सीजन 3 के एंड में अम्ब्रेला एकेडमी की पावर्स चली गई हैं, तो लोग ये सोच रहे हैं कि एलिसन की पावर्स भी चली गई हैं, बट मैं इस पर बिलीव नहीं करता। हारग्रीव्स ने एलिसन के अंदर से येलो डस्ट को रिमूव नहीं किया था, लेकिन बाकी मेंबर्स के साथ ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से उनकी पावर्स चली गई हैं। बट एलिसन के साथ ये सेम सिचुएशन नहीं हुई थी, और एंडिंग में जब तुम देखते हो वो क्लेयर और अपने हस्बैंड से मिलती है, तो ये कन्फर्म नहीं दिखाया गया कि उसके पास करंटली पावर्स है भी या फिर नहीं। एंड ये शायद क्रिएटर्स ने जानबूझ के अगले सीजन के लिए ट्विस्ट छोड़ा है, ताकि सस्पेंस बना रहे। और अगर तुम्हें डिटेल में सीज़न 3 की एंडिंग जाननी है, तो मैं तुम्हें अपनी अम्ब्रेला एकेडमी की प्लेलिस्ट चेकआउट करने के लिए कहूँगा, तुम्हें भी बेनिफिट होगा और मुझे भी। तो गाइज, यही थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।